तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अमित के सॉल्यूशन चैनल पर। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इस बॉटल में टचलेस शैम्पू है जिसका आज हम ट्रायल करने वाले हैं इस गाड़ी पर। गाड़ी की कंडीशन अभी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले शैम्पू अप्लाई करेंगे इस पर और बिना स्क्रब किए इसको डायरेक्ट वॉश करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, स्किप किए बिना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप क्लोथ से देख सकते हैं, पास से ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इस पर शैम्पू अप्लाई करेंगे और व्हील्स भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। ठीक है, इसकी कंडीशन आप देख लीजिए बिफ़ोर की, उसके बाद मैं आपको आफ्टर जो रिज़ल्ट आता है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये डस्ट बहुत ही ज़्यादा बैठा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो बिना स्क्रब के इसको क्लीन करके देखते हैं कैसा इसका रिज़ल्ट आता है टचलेस शैम्पू का। ठीक है दोस्तों, तो आप चारों तरफ से देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी गंदी है, ये टायर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस पर अप्लाई करते हैं फोम शैम्पू टचलेस जो है। तो अब टचलेस शैम्पू को इस्तेमाल करके देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो लेट्स गो। ये मैंने इस पर अप्लाई किया है और अभी से आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो गंदगी है वो बहुत ही ईजली क्लीन हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं, परफेक्ट। इधर देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए जो भी कचरा था गंदगी वो सारा धीरे धीरे लूज़ हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। आप नज़दीक से देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए कचरा कैसे नीचे की तरफ गिर रहा है। चलिए जल्दी से पूरे पे अप्लाई करके उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको रिजल्ट। सो गाइस, मैंने पूरे गाड़ी पर अप्लाई कर दिया है टचलेस शैम्पू। ठीक है, तो मैं इसको बिल्कुल भी हाथ से स्क्रब नहीं करूँगा। ठीक है, और फिर देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। आपने बिफ़ोर कंडीशन तो देख ही लिया होगा, तो अभी आप देख सकते हैं नज़दीक से ये टायर का जो कचरा है वो कैसे देख रहे हैं आप, धीरे धीरे लूज़ होके गिर रहा है नीचे। ठीक है, तो काम तो कर रहा है बट देखते हैं वॉश करने के बाद कैसा रिज़ल्ट आता है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो अगर ये वर्क करता है तो इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी, पानी भी बचेगा और थोड़ी मेहनत कम लगेगी कार को वॉश करने में। तो ये अभी फर्स्ट ट्रायल है, देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। चलिए, दो मिनट मैंने इसको छोड़ा है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं वॉश करूँगा डायरेक्ट। सो गाइज, ये शैम्पू मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके जो भी प्रॉज एंड कॉन्स है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। फ़िलहाल रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा है, आप सामने से भी देख सकते हैं, काफ़ी ईजिली ये डर्ट को रिमूव कर देता है। तो ये फार्मूला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। फ़िलहाल आप अभी देख सकते हैं जो भी कचरा था वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो रहा है। ठीक है, वॉश करने के बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ।
तो दोस्तों आप अब इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम इसका मैंने ट्रायल लिया है और ये फर्स्ट टाइम में ही इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। आप देख सकते हैं ये बिना मैंने हाथ लगाए इसको वॉश किया है, डायरेक्ट शैम्पू अप्लाई किया और फिर डायरेक्ट प्रेशर वॉशर से इसको क्लीन किया है। आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना बढ़िया ये रिज़ल्ट देगा। ये जैसे लग रहा है कि ब्रांड न्यू कार है। ये देखिए दोस्तों, ये पीछे का पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा यहाँ पर गंदगी थी जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ये विंडशील्ड देख सकते हैं आप बैक साइड की, और ये देखिए यहाँ पर इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हुआ था, बिना हाथ लगाए बिना स्क्रब किए पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। अब मैं आपको व्हील दिखाता हूँ, वो जो व्हील था वो भी कितना शानदार क्लीन हुआ है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पान का दाग था, मैंने थोड़ा भी हाथ नहीं लगाया, स्क्रब नहीं किया और जस्ट शैम्पू अप्लाई करने पे ही ये पान का दाग यहाँ से चला गया। तो आप सोच सकते हैं कितना स्ट्रांग है ये। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और गाड़ी के एक लुक के लिए एक लाइक बनता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसका फॉर्मूला जो है वो आपसे बाद में शेयर करूंगा, क्योंकि अभी ये ट्रायल पीरियड पर है तो अभी मैं बता नहीं सकता हूं इसके बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।